आपको बता दें, कमर शेख बने पीस पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पीस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने के लिए कमर शेख को भिवंडी शहर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। ये घोषणा रविवार को बागे फिरदौस के सनोवर हॉल में आयोजित एक सभा के दौरान की गई, जिसमें पीस पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी खान हबीबुर रहमान की उपस्थिति रही। थाने जिला अध्यक्ष शमीम अंसारी ने बताया कि पार्टी जल्द ही भिवंडी पूर्व और पश्चिम दोनों विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आयुब, जो कि एक सर्जन है, और महाराष्ट्र प्रभारी हबीबुर रहमान के नेतृत्व में पीस पार्टी पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। शमीम अंसारी ने यह भी बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आयुब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्रसिद्ध सर्जन हैं और वे विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने सभा में कहा, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। कमर शेख की नियुक्ति के साथ पीस पार्टी ने भिवंडी में चुनावी संघर्ष की तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। पार्टी का लक्ष्य सामाजिक समरसता और एकता के आधार पर चुनावी जीत हासिल करना है। इस अवसर पर थाने जिला प्रभारी इरफान अंसारी, कमर हुसैन, अक्रम अंसारी सहित बड़ी संख्या में पार्टी की महिला और पुरुष पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारी और मेरे साथ में लोग जुड़े हुए माशाल्लाह से, और पीस पार्टी को जो कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे, कदम से कदम बढ़ा रहे, उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी में MIM से काफ़ी लोग जुड़ते आ रहे। अभी हाल ही में हमारे साथ में मुंबई अध्यक्ष हमारे बने आबिद सईद साहब, जो भी MIM पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी थे। अभी हाल ही में अभी आज देखे आपने हमारे साथ में, आज भी भिवंडी शहर के अध्यक्ष बने गए, वो भी हमारे साथ में जुड़े गए माशाल्लाह से। तो भिवंडी शहर में एक विकास का तीसरा विकल्प के रूप में इस पीस पार्टी ने भिवंडी शहर में कदम जमाया है। और भिवंडी शहर की आवाम को, तमाम आवाम को मैं चाहता हूँ कि भिवंडी शहर के हमारे जो भी कैंडिडेट यहाँ से खड़े होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सपोर्ट करें और पीस पार्टी को कामयाबी दिलाए। तो पीस पार्टी का ऐसा विकल्प है जो हमारे में, देखो आप देखते आ रहे होंगे, मतलब जो भी सिर्फ धर्म की राजनीति चलती आ रही है यहाँ पे, कांग्रेस BJP जिसको भी देखो, सिर्फ धर्म की राजनीति। पीस पार्टी ऐसी राजनीति खेल रही है जो सेकुलर पार्टी है, जैसे हमारे नारा है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। तो हम लोग सब साथ में मिलके चलना चाहते हैं और पीस पार्टी को आगे बढ़ा के हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और बेसिक नीड्स जो है जो भिवंडी शहर की, उस पर हम ध्यान देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भिवंडी की जनता को जो प्रोग्राम, जो त्यौहार चल रहे, उसकी मुबारक। और दूसरा, पीस पार्टी के इस मीटिंग में आप लोगों के आने का सबसे पहले तो इस्तकबाल करूँगा मैं। सवाल बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, ऐसा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समय क्यों निकला, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर क्यों आया, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत सारे बिकने बिकाने के सिलसिले थे, बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब देना हम लोगों को भारी पड़ रहा था। उन सवालों से बचने के लिए जो मीर सादिक मीर जाफरों की जोड़ी वहाँ चल रही है, उनके हवाले करते हुए पीस पार्टी एक ऐसा मुझको प्लेटफॉर्म लगा कि यहाँ से वो तमाम काम हो सकते हैं जो मैं चाहता हूँ हो शहर के अंदर। मसलन शहर के लोगों की किस तरीके से मदद कर सके, कैसे हम शहर के लोगों को एक विकल्प दे सके, कैसे हम शहर के लोगों को अपने से जोड़ करके उनके मसाइल को हल कर सके, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ करके मैं पीस पार्टी में आया हूँ। क्योंकि पीस पार्टी का एक नारा है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये नारा बहुत कुछ कहता है। इसके पहले मेरे साथियों से, साहब लोगों से सवाल पूछा गया कि जो हादसा हुआ था उसके अंदर हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो मामला हुआ था, उसमें आप लोग क्यों नज़र नहीं आए। तो यकीनन हम नज़र नहीं आए क्योंकि हमारी तादाद कम है, इसलिए इतनी बड़ी भीड़ में हम नज़र नहीं आए। मैं बता रहा हूँ ये जो नहीं नाम देखिए कैसा हृदय की एक सब्जेक्ट है भाई मेरा, नाम लेकर के आप, चलो बताइए। मैं बता रहा हूँ आपके जवाब को मैं दूंगा। देखिए, अभी सैयद साहब भी 2014 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार रहे बम्बई शहर के अंदर, ठीक है। मैं भी 2014 से काम कर रहा हूँ, हमको ये पता है कि कौन कहाँ कब कितनी बार लेन देन किया, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं।
ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये जब मैं दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मैं आया, भिवंडी लोकसभा अध्यक्ष, बता रहा हूँ ना आप, सवाल पूरा होने, जवाब पूरा होने नहीं देते, सवाल पे सवाल डालोगे तो आप तो खतरनाक आदमी हो भाई, तो जवाब पहले सुन लीजिए, मैं जवाब क्लियर तो करने दीजिए। मैं वो बोल रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लोकसभा संपर्क प्रमुख जब मैं हुआ, उसके बाद में मेरा बहुत करीब से गुजरना हुआ। जब आदमी बहुत करीब से गुजरता है ना, तो वहाँ पर समझ में आता है कि किसके गिरेबान में कितने काले पड़े हैं। तो जब मैं करीब से गुजरा तो मुझको लगा कि यार यहाँ पे तो बहुत दाग है, इस दाग का जवाब मैं क्यों दूँ। देखिए, चल रहा होगा एक ज़माने से, सब पॉलिटिकल पार्टी में चलता होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है और आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी जो चली है, उस वीडियो को मैं नहीं प्रमाण के तौर पर मैं नहीं पेश कर रहा हूँ, लेकिन आवाम सब जानती है कि किसने क्या किया। मैं ज़्यादा करीब से गुजरा हूँ, इसके लिए मैं उनके सवालों का जवाब दे नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसको खैरबाद अल्लाह हाफिज़ कहा है। और आप पीस पार्टी के अंदर ज़ोर शोर दमखम के साथ इंशाल्लाह काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पीस पार्टी उन पार्टियों से अलग है और अलग तरीके से काम करती है। पीस पार्टी की सीधी टक्कर इस वक्त हम लोग ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि पीस पार्टी जो है, पीस पार्टीज वर्सेस ऑल, हम बताएंगे कि भाई जो इंडिया अलाइंस है उसमें क्यों ना जाएं, हम ये बताएंगे कि जो इंडिया अलाइंस है उसमें क्यों ना जाए और हमारे साथ क्यों आए। ये वक्त के साथ हम पब्लिक के अंदर अपने डोमेन को खोलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। हमारा मुकाबला सारों से है, ऑल वर्सेस वन, इंशाल्लाह हम अपनी काबिलियत और अपने मकसद को बताएंगे आपको आगे। कामरान शेख को आज यूडी शहर का अध्यक्ष बनाया गया, यूडी शहर में बहुत से ऐसे मसले मसाइल है, पहला कदम क्या रहेगा यूडी शहर की, किस मसले पर आप नजर रखते हैं और उसमें किस तरह के आपके अमल मौजूद हैं? सबसे पहला जो मसला है साहब, वो होता हुआ एक्सीडेंट है शहर के अंदर, उस शहर के अंदर जो एक्सीडेंट है उसकी बारीकबीनी से हम लोगों ने बहुत उसका जो है जायज़ा लिया है। जो आप देख रहे हैं कि ये जो इंटर कनेक्शन है, जैसे ब्रिज से नीचे उतरते साथ यहाँ से ब्रिज से ऊपर से आके ब्रिज के नीचे जाना पड़ता है, ये जो क्रॉसिंग है इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। और आप देखोगे सड़क पर जो सीमेंट रोड बना है उसके बाद जो डामर रोड है उसके दरमियान में गैप है, उस गैप की वजह से गाड़ी स्किड होती है और एक्सीडेंट होता है। इसके लिए हम आगे चलकर पत्र व्यवहार भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, पीस पार्टी भिवंडी शहर में दिखाएगी कि काम कैसा होता है। इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम अपनी पूरी जान पूरी दमखम लगा देंगे। देखिए, इनका काम MIM के अंदर बहुत अच्छा था, हम लोगों ने देखा कि जब ये MIM में थे, जितने दिन भी थे, बहुत अच्छा एक्टिव मेंबर थे। एक्टिव खाली मेंबर नहीं थे, इन्होंने कंधे से कंधा मिला के अपने अध्यक्ष और जो भी नेतागण के साथ में थे उनके साथ काम करते थे। अब इनकी इच्छा हुई हमारे साथ आने की और हम लोग की भी इच्छा थी कि चलो ऐसे लोग आते हैं हमारे साथ तो हमारा हाथ मजबूत होता है और मजबूत होगा तो हम भिवंडी शहर के लिए अच्छा काम करेंगे। मिलजुल के काम करना अच्छी बात है। तो आते ही एक्टिव नहीं होगा, मैंने मेरे भाषण में भी बताया आपको कि 2-3 साल से हम अपने ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर जिला के लोगों से मिल रहे हैं, हर वोटर से मिल रहे हैं, उसका हम लोगों ने पूरी यादी तैयार किया, उनके फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास है, क्योंकि हम जब भी इलेक्शन फेस करना चाहते हैं एक तेज़ी और मजबूती से साथ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम अपने आप को अभी तक थोड़ा सा बैकफुट पे रखे थे। जैसे आपने शहर की कई खस्ता हालात को लेकर, शहर की एक्सीडेंट को लेकर अपने मन से जो है बातें रखी थी, इसको लेकर आपने कितनी बार पत्र व्यवहार ट्रैफिक विभाग में या महानगर पालिका या किसी भी संबंधित अधिकारी को पत्र व्यवहार किया है इसके बारे में? पत्र व्यवहार अब नहीं किया, अब बोलिए क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा ये देखते आए कि ये जिम्मेदार कौन था, जिम्मेदारी किसके ऊपर थी। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? हमारे जो नगर सेवक था हम उसको बोलते थे, हमारा जो MP था उसको बोलते थे, हमारा जो MLA था उसको बोलते थे, उनके अब वो अगर आश्वासन देते हैं हमको कि हाँ करते हैं और महीनों बीत जाता नहीं करते, तब तक तो वक्त बीत जाता है ना। आप भी जिम्मेदार नहीं हो शहर के, हम लोग क्यों जिम्मेदार हैं? थाने जिला के अध्यक्ष हो और शहर के नागरिक भी हो, आपका भी कर्तव्य बनता था। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमने जिसको वोट दिया, जिसको हमने जिताया, उसी के पास अपनी मांग करेंगे ना। अरे पार्टी थी तो क्या हुआ, उससे क्या होता है? मेन मुद्दा ये है कि जो जिम्मेदार था वो उनकी जिम्मेदारी थी ना। जब हम लोग ये देख रहे हैं कि वो जिम्मेदार अपना काम नहीं निभा पा रहे, तो आज हम लोगों को आना पड़ रहा है मैदान में। नहीं, आज हम लोग को मैदान में आना पड़ रहा है और हम लोग और लोगों को आवाज दे रहे हैं कि आप लोग भी मैदान में आइए, मैदान में आइए, जो लोग काम नहीं करते उनके विरोध में काम करना ही पड़ेगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।